स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा था और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी देखा था। आज हम एक जनरल रिजल्ट भी लिखेंगे और फिर गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्रूव करेंगे, देखो गॉस लॉ होता क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अभी हमने जो हेडिंग लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो उसके थ्रू, क्लोज सरफेस हमने कल भी देखा था, तो इसके इसके पहले लेक्चर में भी देखा था कि किसी भी क्लोज सरफेस को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। आज हम देखेंगे कोई भी क्लोज सरफेस है यदि उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखें तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा। क्या होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक कोई भी एक सरफेस, क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया है जिस पे हमने माना, जिस पर जिसका कोई भी एक डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट हमने dA कंसीडर किया है। एन कैप जो होगा वो क्या होगा, dA वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ठीक है। और हमने ये माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट के थ्रू जो क्रॉस कर रहा है वो क्या है, E है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिफरेंशियल एरिया वेक्टर dA। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको हमने लिखा है d phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिफरेंशियल एरिया dA, दिस इज इक्वल टू E डॉट dA, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए एंड ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, सरफेस, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, डी ए। या ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो मैंने यहाँ लिखा है E नॉर्मल का मतलब देखो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एन कैप। अब आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है फाई, फाई का मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन पे हमने क्या यूज किया है बेटा, क्लोज साइन, सॉरी सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के ओवर करते हैं, व्हेन एवर वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज सरफेस, तो हम इंटीग्रेशन साइन पे क्या करते हैं, एक सर्कल लिख देते हैं। सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं। ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यहाँ मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और अगेन मैंने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ई नॉर्मल डी ए। ई नॉर्मल का मैंने फिर से मैं बता दूँ, कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस या अलोंग द क्या होगा, नॉर्मल। समझ में आई बात, यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है, कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि सर्कल का मतलब क्या, तो मैंने लिखा है कि सर्कल ओवर इंटीग्रेशन इंडिकेट दैट इंटीग्रेशन इज डन ओवर क्लोज सर्फेस, ठीक है। अब हम एक सम देखेंगे और फिर डिफरेंट, देखो सम क्या है कि मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, क्या है पॉइंट चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, और यहां आप देखोगे, देखो ध्यान से, हम कई सर्फेस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि मैंने मान लिया S1, इसको मैंने मान लिया S2, ठीक है। तो यहाँ प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, डाइवर्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है। समझ में आई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इस सरफेस का जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ये क्या है, स्फीयर हो गया, स्फेरिकल सरफेस,
हमने कंसीडर कर लिया, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में हम देखेंगे। स्फेरिकल सरफेस है, ई भी क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल सरफेस। समझना है कि कैसे हम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। हम कूलम्स लॉ को यदि यूज करें, ठीक है, ये बात समझ में आया बेटा, तो कूलम्स लॉ को हम यूज करके हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मुझे क्या करना है, चलो यहाँ लिखना है, यहाँ इस पॉइंट पे, ये कोई जनरल पॉइंट मान लो, यहाँ लिखना है इसको, चलो मैं पी कंसीडर कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम जानते हैं बाय यूजिंग क्या होगा, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का मतलब क्या होगा, ठीक है, आर कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। अब मुझे आर वन पे लिखना है, ये रेडियल डिस्टेंस कितना है, आर वन है, तो देख लो यहाँ, यहाँ हम आर वन लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे कि मैग्नीट्यूड जो होगा ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर वन स्क्वायर, सॉरी, आई मीन आप देखो हर जगह मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। आई मीन यहाँ यदि आप एन कैप, यदि मैं इसको डिफरेंशियल एरिया मान लूँ क्या डी ए वैक्टर, तो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ एट पी, मैं बोल सकता हूँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं, एट पी नहीं, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यही है, ठीक है, कितना, के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, एंड डायरेक्शन जो है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, आई मीन सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यदि मैं फ्लक्स, मुझे क्या करना है, इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है, एस वन के थ्रू, एस टू के थ्रू, एस थ्री के थ्रू, और भी सरफेस हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एन नंबर ऑफ स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं, और सबके थ्रू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से, तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ई पी इधर ही होगा, सही है, तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई, डी फाई, ठीक है, वन, डी फाई वन का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस के थ्रू, आई मीन एस वन हमने कंसीडर किया, जस्ट हमने मान लिया, तो डी फाई वन या डी फाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यहां आप लिखोगे तो ई डी ए क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो डिग्री लिख सकते हैं बेटा, सही है, क्यों, क्यों लिखा हमने, क्योंकि एन कैप इज पैरेलल टू क्या है, ई। ये भी मैंने बताया था कि जब भी क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर को ऑलवेज आउटवर्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि डी फाई ई लिख दो, डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए। अब मुझे क्या करना है, टोटल फ्लक्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, और इसको हम क्या लिखेंगे, सर्कल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो, इस सरफेस पे S1 के स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह कितना होगा बेटा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर वन स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए। और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या होगा, कि इस S1 सरफेस का क्या होगा, एरिया क्या होगा, S1 सरफेस का एरिया, और S1 सरफेस का एरिया आपको मालूम है कि क्या होता है, E इंटू क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, सही है, यही है। तो फाई E, देखो ध्यान से, फाई E इज इक्वल टू क्या हो गया, E का वैल्यू आप रख दो यहाँ से, देखो यहाँ से E का वैल्यू रखो, तो क्या देखो, K Q, ठीक है, अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या होगा, देखो Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू क्लोज सरफेस S1, क्या मिला अपने को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S1 कितना हुआ? Q अपॉन क्या हुआ? इप्सिलन जीरो, या इप्सिलन नॉट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इप्सिलन नट। Q अपॉन क्या होगा? इप्सिलन जीरो। Q क्या है बेटा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1, क्या है? S1 जो स्फेरिकल सरफेस है उसके द्वारा चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, या उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड है, ठीक है, उस पर ही क्या है फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। देखो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? इप्सिलन जीरो। यही कल बता रहा था जब मैं इसके पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यही बताया था। यहाँ से तुम बोल सकते हो कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्यू, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्या होगा? थ्रू एस वन, ठीक है। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू एस टू इज क्या होगा? गिवन एस, इसको फाई वन भी लिख सकते हैं, फाई वन लिख देते हैं, ठीक है। फाई टू इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो। समझ में आया क्या? तो क्या होगा, कोई भी सरफेस है, तो यहां से अपने को मालूम चला, इससे देखो यहां प्रूफ हो गया, हमने क्या किया इसको, हमने यहां स्फेरिकल रेगुलर शेप कंसीडर किया है, ये जो रिजल्ट है वो ई रेगुलर शेप के लिए भी क्या होगा? वैलिड होगा। समझ में आया क्या? तो यहां से ये मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल चार्ज इनक्लोज्ड पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज का लोकेशन क्या है उस पे भी वो डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया ना? क्या होगा, चार्ज के लोकेशन से भी क्या है इनडिपेंडेंट होता है। समझ में आई बात? ये आपको, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। तो यहां क्या लिखना है बेटा, यहां से अपने को ये मालूम चला, देखो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एनी क्लोज सरफेस इज क्या होगा? गिवन, गिवन एज, देखो फाई ई, पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा, ई डॉट डी ए, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं, अपॉन इप्सिलॉन जीरो, ठीक है। क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन जीरो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, गॉस लॉ, ठीक है, क्या है, गॉस लॉ। तो यहां क्या है, फ्लक्स, ये याद रखना है बेटा, ये क्या है, नेट चार्ज, क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा, बाय द गॉसियन, बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के थ्रू क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, देख लेना है कि उस सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। यदि कुछ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू होगा, अदरवाइज उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी को हम गॉस लॉ बोलते हैं। आगे हम लिखते हैं, पहले इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद देखो एग्जाम्पल, अब मैं सिंपल बोलू, देखो ध्यान से, यहां हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये सरफेस S1 है, एक सरफेस मैंने मान लिया, देखो ध्यान से, एक सरफेस S2 मान लिया, ठीक है, समझ में आया ना, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये भी क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, आपको भी मालूम है कि इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे इमर्ज होगा, ठीक है, वो देखना है फील्ड लाइंस, थोड़ा सा सही से फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या करना है, सरफेस पे क्या होना चाहिए, ठीक है, तो फील्ड लाइंस में अच्छा कंडक्टर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना, फील्ड लाइंस जो होना चाहिए वो रेडियली क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि फ्लक्स आपसे कोई पूछे, फाई वन का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, फाई वन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक, टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, थ्रू S1, ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो phi1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपल पहले ये फार्मूला लिखेंगे, Q इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या है, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, तो यहाँ Q इनक्लोज्ड क्या है, प्लस Q डिवाइडेड बाई क्या है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए देखो फ्लक्स का जो वैल्यू आया है क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आई मीन डाइवर्जिंग नेचर का होगा, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। उसी तरह फाई टू आपसे कोई पूछे, क्या देखना है, केवल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है वही देखना है, तो एस टू के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, देखो तो फाई टू, फाई टू का मतलब क्या होगा, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, थ्रू S2, और दिस इज अगेन इक्वल टू, देखो तो Q इनक्लोज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, तो फाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, Q अगेन अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से मालूम चल गया कि फाई वन इज इक्वल टू क्या है, फाई टू इक्वल टू क्या है, Q अपॉन क्या है, समझ में आया, क्या क्या है, फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू क्या हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, केवल क्या देखना है, जिसके थ्रू आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, बस ये देखना है आपको, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहां प्लस क्यू चार्ज है, माइनस टू क्यू चार्ज है, प्लस थ्री क्यू चार्ज है, ठीक है, देखो एक सरफेस मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक सरफेस ये कंसीडर कर लिया, एक सरफेस ये कंसीडर कर लिया, और एक सरफेस ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो कितने सरफेस हुए, S1, S2, S3, S4, ठीक है, समझ में आया क्या। तो आपसे क्या पूछा गया है, सभी सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखो केवल क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं फाई वन, फाई वन का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्या होगा, एस वन। तो देखो तो एस वन के थ्रू क्या लिखेंगे, पहले क्यू इनक्लोज्ड बाई एस वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू एस, क्यू इनक्लोज्ड कितना है भाई, देखो तो एस वन के थ्रू, एस वन के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, प्लस थ्री क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, फाई वन इक्वल टू प्लस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो।
तो ये नेट फ्लक्स किसके थ्रू मिल गया, S1 के थ्रू। S2 के थ्रू कोई पूछे, देखो phi 2 का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स थ्रू क्या होगा, फ्लक्स थ्रू S2, आई मीन सरफेस S2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगेन Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जीरो, और Q इनक्लोज्ड कितना है, माइनस टू क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन जीरो। तो phi 2, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह phi 3, आपसे कोई पूछे phi 3 कितना होगा, फ्लक्स थ्रू S3 कितना होगा बताओ, S3 के तो हम अगेन क्या लिखेंगे, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ Q इनक्लोज क्या है, प्लस Q अपॉन क्या है, एप्सिलॉन जीरो। देखो तो phi 3 मिल गया क्या। अब आपसे कोई पूछे कि phi 4 आई मीन इस सरफेस के थ्रू, phi 4 आई मीन S4 के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आप वो बताओ। तो देखो तो phi 4 का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स थ्रू क्या होगा, S4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, Q इनक्लोज, देखो तो Q इनक्लोज क्या है, ऐड करो यार, देखो तो प्लस Q प्लस 3Q माइनस 2Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। कितना हुआ बेटा, प्लस 2Q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S4 जो है क्या हो गया, कितना हो गया, प्लस 2Q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो। तो हमने अभी ये देखा, ठीक है, कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो क्या देखना है, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। उस चार्ज को क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, सरफेस हो जाएगा, ठीक है। यदि सरफेस के अंदर जैसे देखो, ठीक है, सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए, देखो यहां और एग्जांपल देखो, ठीक है। अभी तुमको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, ये कोई क्या है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, तुम डाइपोल पढ़े हो, देखो यहां हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज, और यहां क्या रखा, माइनस क्यू चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं बेटा, बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल आई मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फाई कितना होगा, फाई फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा। देखो एक तो ऐसे ये लिखना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आप लिख सकते हो ई डी ए, ठीक है, इक्वल टू हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। ये जो सिस्टम है वो कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया, ठीक है। फाई टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो क्यू इनक्लोज्ड कितना है, कितना है बेटा बताओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज अपॉन क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, इस सरफेस से क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं, सरफेस पे कन्वर्ज हो रहे हैं, उतना ही फील्ड लाइंस जो क्या है, इस सरफेस से क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, बताया भी था, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, डाइवर्जिंग, ये इंडिकेट करता है। जीरो फ्लक्स का मतलब, आपसे कोई पूछे क्लोज सरफेस है, तो एक तो हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, जीरो है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं
कि जितने नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस क्या है उस सरफेस को लिप भी कर रहा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स जीरो नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नेट का मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर हम नोट में इसको लिखेंगे क्योंकि ये की पॉइंट है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, और न्यूमेरस एग्जांपल है, आप देखो यहां इस सरफेस है, इसको सॉलिड एंगल से हम प्रूफ भी करते हैं आगे की। तुम बोलोगे सर ये कैसे, आपने कैसे प्रूफ किया, तो हर चीज का प्रूफ है, रटना नहीं है। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आप बोलोगे प्लस क्यू चार्ज है, ये दिस इज क्लोज सरफेस, मैं बोलूं कि नहीं इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं सेट। तो पहले फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है, देखना एक कर्व नहीं होगा फील्ड लाइंस, तुम लोग स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से, मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं ड्रॉ किया, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस पॉइंट पे फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, देखो फील्ड लाइंस आर क्या है, आर कन्वर्जिंग, यही नहीं यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट पर, ठीक है, समझ में आया। यहां देखो, यहां से क्या है, हर जगह से फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, समझ में आया ना। देखो ध्यान से, ये मैंने एरो ड्रॉ करके बता दिया, फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सरफेस, ठीक है, समझ में आया ना, यही सरफेस है, ठीक है। ये एरो मैंने जस्ट ये बता दिया, ये तुमको ध्यान में रखने के लिए, ऑल पॉइंट से क्या है, फील्ड लाइन जो है वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसके थ्रू भी आपसे कोई पूछे, पहले आपसे मैं बोलूं कि नहीं फ्लक्स फाई ई बताओ तो कितना होगा, पहले तो हम इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे ई डॉट डी ए, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड बाई द क्या होगा, सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ देखो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हम बोल देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इस सरफेस के थ्रू क्या है, जीरो है। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो है। जब भी किसी भी सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होगा तो उसके थ्रू फ्लक्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, यहां से आपको दिख रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, लीविंग द सरफेस, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां से लिख लेना। तो कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसको यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं और उसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो है, नेट चार्ज, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां नोट में पॉइंट लिख सकते हो कि जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, देखो यहां जो फ्लक्स होगा, यहां फ्लक्स जो होगा इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, इसको यदि मैं S1 लिख दूं, ये S1 और एक इस सरफेस को S2 मान लूं, ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, तीन सिचुएशन होगा। तो जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा, इफ, ठीक है, देखो इफ एंड इफ ए क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज placed in non-uniform
ठीक है, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, देन क्या होगा देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट भी क्या होगा मस्ट भी जीरो, क्या होगा मस्ट भी जीरो। अलवेज हम नहीं बोल सकते, अलवेज केस नहीं हो सकता है, समझ में आया ना, कि जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बताया था इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, इफ ए क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जैसा कि मैंने ये बताया, ठीक है। या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो, अलवेज ट्रू नहीं होगा। कल एक एग्जांपल भी मैंने दिया था सिलेंडर का, तो वहाँ हमने देखा था कि x इक्वल टू जीरो पे फील्ड जीरो, x इक्वल टू एल पे क्या है फील्ड का वैल्यू है, तो वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अलवेज जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा इफ फ्लक्स थ्रू क्या होगा थ्रू इफ फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज क्या होगा जीरो देन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इवी इंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लिविंग, ठीक है, लिविंग द सरफेस, समझ में आया क्या होगा लिविंग द सरफेस। और भी हमने ये देखा था, ठीक है, क्या क्या देखा था, इसके बाद हम डायरेक्ट गॉस लॉ लिखेंगे और फिर उसके अपने गॉस लॉ यही स्टेटमेंट है। अगला एक और पॉइंट हमने देखा था कि फ्लक्स थ्रू क्या होगा फ्लक्स आई मीन फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस सरफेस क्या होगा फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द क्या होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज हम लिख सकते हैं फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा क्यू इनक्लोज्ड, एक कल भी लिखा था इसके पहले लेक्चर में, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना है कि फ्लक्स जो है वो चार्ज एंड क्या होगा चार्ज के लोकेशन से है ना, आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी चार्ज बॉडी के आई मीन किसी भी सरफेस के अंदर कहाँ लोकेटेड है उससे क्या होता है इनडिपेंडेंट होता है। तो ये भी एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड, ठीक है, आई मीन कहाँ चार्ज का पोजीशन क्या है उससे क्या होगा इनडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स निगेटिव फ्लक्स आपको मालूम है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ फील्ड लाइन सरफेस से क्या होगा इमर्ज होगा, निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ फील्ड लाइन्स क्या होगा सरफेस पे क्या होगा कन्वर्ज होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे गॉस लॉ पढ़ेंगे, देखो ध्यान से,
ठीक है। तो गॉस ने क्या किया, उन्होंने कूलम्स लॉ को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली क्या किया, उन्होंने वेरीफाई किया कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। उसी को अपने को क्या करना है, लिख लेना है, दूसरा कुछ नहीं, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज, ठीक है, इसको ऑलरेडी मैं प्रूव किया, क्लोज सरफेस इज डिपेंड ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द, क्या होगा, बाय द सरफेस, ठीक है। दैट इज, हम लिख सकते हैं, देखो फाई ई का मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज ई क्या होगा, डॉट डी ए हमने ए माना है, इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय क्या होगा, समझ में आया। ये ऑलरेडी अभी हमने एग्जांपल देख लिया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने इस पर सम भी देख लिया, केवल कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, एग्जांपल नहीं, एक डायग्राम ड्रॉ करके कि इसका मतलब क्या। देखो यहाँ जो क्लोज सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ये लिख लेना, गॉसियन सरफेस, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे मान लो कि क्या है, ये कोई भी इरेगुलर शेप का है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, चार्ज कहीं भी लोकेटेड है, देखो यहाँ यही क्या है, क्यू इनक्लोज्ड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ये होगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये आपको क्या करना है, यही क्या है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉस लॉ वैलिड कब होगा, क्या कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाए, कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करे तो क्या गॉस लॉ वैलिड होगा क्या। तो याद रखना है बेटा, जब मैंने डेरिवेशन किया था, मैंने जो रिजल्ट लाया था अभी, ठीक है, कि ये क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, उसे r डिस्टेंस पे या r1 डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया था, और फिर ठीक है हमने क्या किया था, ये रिजल्ट प्रूव किया था। तो वहाँ हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था पॉइंट चार्ज के द्वारा, उसमें हमने क्या किया था, कूलम्स लॉ यूज किया था। तो ये ध्यान देना है कि कूलम्स लॉ, गॉस लॉ वैलिड तभी होगा, ये रिजल्ट जो है वो तभी वैलिड होगा जब कूलम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। तो पहला पॉइंट ये आपको नोट में लिख लेना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है, नोट में क्या लिखना है कि कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन
कूलम्स लॉ, लॉ इज वैलिड। समझ में आया ना? दैट इज इफ द क्या होगा गॉस, इफ द कूलम्स लॉ नेवर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली पोर्शनल टू क्या हो जाए आर के पावर, क्या हो जाए इन्वर्सली पोर्शनल टू आर के पावर टू हो जाए, तभी क्या होगा ये रिजल्ट वैलिड होगा। यदि मैं बोलूँ कि कूलम्स लॉ आई मीन जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो इन्वर्सली पोर्शनल टू आर के पावर एन हो जाए तो क्या ये रिजल्ट वैलिड होगा क्या, तो वहाँ गॉस लॉ जो होगा वो क्या होगा फेल हो जाएगा और ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गॉस लॉ इस क्या होगा डिफाइंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस है, रेगुलर है इरेगुलर है, सबके लिए क्या होता है वैलिड होता है, डिफाइन होता है, लेकिन एप्लीकेबल सभी के लिए होगा, लेकिन यूजफुल जो होता है वो कुछ ही सिचुएशन में होता है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ये नोट में कर लेना है कि गॉस लॉ, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्या होगा एनी काइंड काइंड ऑफ क्लोज क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इफ इफ कूलम्स, समझ में आया ना, इफ कूलम्स लॉ इज वैलिड। आई मीन पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि गॉस लॉ को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए, कूलम्स लॉ को वैलिड होना चाहिए। अब गॉस लॉ जो है वैलिड जो है वो किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है, क्या है क्लोज सरफेस है या क्या है ओपन सरफेस। समझ में आया, केवल क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस, बट क्या लिखेंगे गॉस लॉ इज क्या होगा यूजफुल, यूजफुल व्हेन व्हेन देयर इज ए सिमेट्री, देयर इज ए सम काइंड ऑफ क्या होगा सिमेट्री। डिफाइन तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए है, लेकिन जो यूजफुल होता है एक कुछ ही सिचुएशन में क्या होता है यूजफुल, इसलिए लिखा है गॉस लॉ इज यूजफुल व्हेन देयर इज ए सम काइंड ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या हो सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। अभी मैंने इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले पार्ट में जब मैं रिजल्ट प्रूव कर रहा था तो मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, केवल क्या होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा गॉसियन सरफेस पे क्या होगा डिपेंड होगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन जीरो। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होगा नेट चार्ज, आई मीन क्या होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऑलरेडी हमने उसके बाद हमने देखा कि गॉस लॉ तभी वैलिड होगा जब क्या होगा कूलम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, उसके बाद गॉस लॉ जो है वो किसी भी सरफेस के लिए आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। ठीक है, आई मीन किसी भी सरफेस के लिए क्या कर सकते हो डिफाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन क्या होगा गॉस लॉ इज यूजफुल व्हेन देयर इज ए क्या होगा सम काइंड ऑफ सिमेट्री, जब कुछ टाइप का क्या होगा सिमेट्री होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे तभी हम इसका क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमेट्री क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब पहले ठीक है तो पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, बाद में हम आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल, भी मैं बताऊंगा आप लोगों की हाउ टू कैलकुलेट क्या होगा फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ
गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, उसके पहला एप्लीकेशन क्या है, देखो ध्यान से, किफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, है ना, तो गॉस लॉ पहला जो एप्लीकेशन क्या होता है कि उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि इफ बैटरी सिमेट्रिकल चार्ज, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ऐसे लिखें, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। अब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या कि क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, आई मीन यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और मैंने ये बताया कि क्या होगा सम काइंड ऑफ सिमेट्री हो, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इफ क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इफ चार्ज इज क्या, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इसके बाद इसी को यूज करके हम देखें कंडक्टर के अंदर यदि आप कोई चार्ज रखोगे तो टोटल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, रिसाइड हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन जो है हम उसको देखते हैं, पहले उसको देख लेंगे फिर इसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ फर्स्ट एप्लीकेशन मैं देख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सिमेट्री देखो क्या है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोई भी क्लोज सरफेस है तो क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से सिमेट्री क्या होना चाहिए कि हमने क्या लिखा था, फाई ई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, ई डॉट हमने क्या लिखा था, डी ए, और इक्वल टू हमने क्या लिखा था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन जीरो, यदि जो क्या है ऑब्जेक्ट जो है आई मीन मीडियम जो क्या है फ्री स्पेस है, ठीक है, यही क्या है गॉस लॉ है, यही है ना यार। अपने को क्या करना है, इसी को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत सारे मतलब आपको यदि इसका यूज आता है और सिमेट्री आपको आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, आप आसानी से दो दो स्टेप में क्या कर सकते हो, पूरे रिजल्ट को लिख सकते हो, ठीक है। अब सिमेट्री क्या होना चाहिए, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, इंटीग्रेशन का, ठीक है,
क्या है ई डॉट डी। इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, अपने को इवेल्युएट करना है, कैलकुलेट करना है। तो यही सिमेट्री लाई कर रहा है, समझ में आया ना क्या क्या सिमेट्री है उसके बारे में हम क्या करेंगे अभी हम देखेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल सिचुएशन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ ध्यान से नोट में है ना, ये जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या है, डिफाइन है, वैलिड है, लेकिन इस रिजल्ट का यूज तभी हम कर सकते हैं जब क्या होगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन में। तो पहला सिमेट्री क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या हो जाए, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन है कि क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो सिमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस मस्ट बी सेम। समझ में आया क्या, पहला पॉइंट है, आई मीन जो भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तो उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो दैट हम क्या करें, इसको इंटीग्रेशन साइन से क्या करें, बाहर लिख लें। अभी मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है कि क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड में भी पूछा एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द, क्या होना चाहिए, टू द गॉसियन सरफेस। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा क्या होना चाहिए, आइदर क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए आइदर क्या होना चाहिए, जीरो डिग्री होना चाहिए। सो दैट क्या होना चाहिए, ई डॉट डी ए क्या होना चाहिए, आइदर क्या हो जाए, माइनस ई डी ए हो जाए। देखो ध्यान से, थीटा क्या होना चाहिए, जीरो डिग्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या होना चाहिए, आइदर फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्जिंग होना चाहिए, लेकिन सरफेस पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो यदि आप इस दोनों पॉइंट को कंसीडर कर लोगे उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो हम लिख सकते हैं फाई थ्रू इस दोनों कंडीशन, समझ में, दो ही पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है क्या क्या, कि मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड एरिया वैक्टर क्या होना चाहिए, आइदर जीरो डिग्री होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया ना, जैसे यहाँ आप लिखोगे क्या लिखोगे, देखो ई डॉट डी ए लिखे आपने, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, ठीक है, कॉस जीरो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई डी ए लिख सकते हैं, और यदि कांस्टेंट होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फाइ ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए, और इसको लिख सकते हैं ई इंटू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आया ना, ये फ्लक्स लिख लोगे और फिर गॉस लॉ आप आसानी से क्या करोगे, यूज कर दोगे, देखो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलन जीरो, और यहाँ रखोगे ई ए तो क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलन जीरो, ये लिख सकते हो। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया क्या इससे, समझ में आया ना। तो दो चीज़ें हैं, अब आप बोलोगे सर गॉसियन सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कैसे मालूम चलेगा, हाँ तो उसको भी हम अभी देखेंगे कि डिफरेंट चार डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उस समय गॉसियन सरफेस जो है वो हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इतना आपको क्या करना है, एक खुद से सिलेक्ट करना है, और जो मैं अभी गॉसियन सरफेस बोलूँगा
वही आपको याद रखना है कि नहीं, इस टाइप का यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे देखो पॉइंट चार्ज दिया हुआ है या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये नेसेसरी है कि उस सिचुएशन में आपको गॉसियन सरफेस स्फेरिकल कंसीडर करना है। यदि लाइन चार्ज दिया हुआ है तो गॉसियन सरफेस कैसे होना चाहिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या दिया हुआ है या सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन में गॉसियन सरफेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ठीक है। यदि प्लेन चार्ज शीट दिया हुआ है तो उस समय भी गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, या पील बॉक्स भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सबसे ज़्यादा क्या है, यूज है, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट में अगला पॉइंट लिख देता हूँ, समझ में आया कि क्या होना चाहिए, गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, आइदर कन्वर्ज हो और डाइवर्ज करे, लेकिन सरफेस पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए और क्या करना चाहिए, डाइवर्ज करना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। और यदि ये दोनों सिचुएशन वैलिड है तो देखो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अरे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया है और फिर गॉस लॉ को यूज करके हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब देखो यहां अगला पॉइंट क्या है कि इफ, देखो ध्यान से, इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज और इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज और इफ देयर इज ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देन ऑलवेज कंसीडर्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस कैसे आपको कंसीडर करना है, स्फेरिकल करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मान, समझ में आया ना, कब, जब क्या होगा, पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड कैलकुलेट करना हो और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया, जैसे अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, जैसे मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू है, इसी आर डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है, तो आर रेडियस का क्या करो, एक स्फीयर कंसीडर कर लो, ठीक है। और आप जानते हो तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या हुआ, स्फेरिकल सरफेस हो गया। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है, रियल में एग्जिस्ट इमेजिनरी सरफेस होता है, ये भी याद रखना, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट चार्ज है, यदि आपको उससे पूछा है कि नहीं कोई स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके थ्रू आउट वॉल्यूम जो है वो चार्ज जो है क्या है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यार। इस केस में भी आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, देखो ये स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस केस में भी आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस कैसे मानना है, स्फेरिकल मानना है, समझ में आया ना, क्या है, स्फेरिकल, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये मेरा यही स्टेटमेंट है कि क्या है कि जब भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज हो और क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करना है, स्फेरिकल कंसीडर करना है, जहाँ फील्ड निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या करना है, उस पॉइंट के से सेंटर को डिस्टेंस को क्या करना है, रेडियस मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, और बाईसिमेट्री देखोगे तो देखना इस हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो हम आसानी से रिजल्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, देखो ध्यान से,
कभी कभी हम स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, या इक्विलेटरल, तो दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, इफ देयर इज ए लाइन चार्ज और सिलिंड्रिकल चार्ज क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन ऑलवेज कंसीडर सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, समझ में आया ना? ठीक है, जैसे मान लो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके द्वारा आपको फील्ड निकालना है, कितने डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे, तो आर रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर कर लो, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, सिलेंड्रिकल। ठीक है, यदि सिलेंडर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा कि इसके द्वारा एडवांस में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखो, ठीक है, कैविटी से रिलेटेड, सिलेंडर के अंदर भी कैविटी होता है, यहाँ जो चार्ज जो है वो थ्रू आउट वॉल्यूम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, सॉलिड्स, यहाँ आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कहीं आउटसाइड कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ इस केस में क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, इधर फील्ड कैलकुलेट करना है, कहाँ, यहाँ, ठीक है, तो इस एक्सिस से स्मॉल आर रेडियस का क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फील्ड लिखेंगे, उसके थ्रू फ्लक्स लिखेंगे और फिर गॉस लॉ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, देख रहे हो, तो दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, समझ में आया क्या, ये क्या हो गया, सिलिंड्रिकल। ठीक है, एक और पॉइंट है कि यदि लाइन चार्ज हो, यहां भी ए लिख लेना, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, बस ये तीन पॉइंट है, ध्यान रखोगे, फॉर क्या होगा, फॉर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग लार्ज चार्ज शीट गॉसियन सरफेस इज क्या होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये दो तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट जो तुम क्या करोगे, याद रखोगे, आगे इसको देखना है, इसको हम देखेंगे या मैं नहीं भी बताऊंगा, तुम एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है प्रूफ, तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ना जा करके, एनसीईआरटी, यहाँ देखो एक कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, या नॉन कंडक्टिंग हो, इसके द्वारा कहीं भी फील्ड निकालना है यहाँ पी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस या पील बॉक्स भी कंसिडर करते हैं, तो क्या है, ये एप्लीकेशन है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई यूजिंग क्या है, गॉस लॉ, समझ में आया? तो काका कितना टाइम हुआ, देखिए, तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके, गॉस लॉ को यूज करके आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो होमवर्क क्या है ये तुम लोग देख लेना और इसको रीड करना, मैं एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी का बुक होमवर्क, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा,
पेज नंबर मुझे याद नहीं है, और एच सी वर्मा में भी दिया होगा, ठीक है, इवन बी एम शर्मा, कोई भी बुक है तो उसमें तो तुमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई यूजिंग गॉस लॉ, तुमको क्या करना है, रीड करना है, और उसमें क्या क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये तुमको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक होगा, एच सी वर्मा होगा, बी एम शर्मा होगा, कोई भी बुक होगा, टेक्स्ट बुक, उसमें दिया हुआ है गॉस लॉ दिया हुआ है और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में दिया हुआ होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई यूजिंग गॉस लॉ। तो आप उसको पढ़ना और उसमें क्या क्या कैलकुलेट कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जो मैंने बताया है कि लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल सेल, उसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको ये भी उसमें दिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग लार्ज प्लेन शीट, ठीक है, तो आपको उसको भी क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज दिया था, जो अभी मैंने डिस्कस किया, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, एच सी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लीजिए, उसमें उसके एप्लीकेशन देख लीजिए, ठीक है, और उसको नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं, ऑलरेडी मैंने कूलम्स लॉ यूज करके मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, कल जो हम पढ़ेंगे, आई मीन इसके नेक्स्ट क्लास में सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, ठीक है, समझ में आया ना, बाय यूजिंग सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।